हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो होने वाली है एक लॉन्ग अवेटेड एंड लॉन्ग रिक्वेस्टेड वीडियो, व्हिच इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए लाइफ में अपियर होंगे, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, सबसे कॉमन, सबसे फ्रीक्वेंट, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं, जैसे कि कैबिन क्रू इटसेल्फ हैज़ टोटल 5 राउंड्स, आउट ऑफ विच 3 आर मेंट फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। सो इन ऑल दीज राउंड्स, वन क्वेश्चन विच रिमेन्स कॉमन इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो दिस फैक्ट ओनली मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है बताने से पहले कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, उसके बाद ही हम इसके सैम्पल आंसर्स पे आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपसे ये क्वेश्चन पूछने से पहले आपका इंटरव्यू और आपका रिज्यूमे पढ़ चुका है, जिसमें आपके बारे में ऑलमोस्ट हर डिटेल होती है। तो आप जो भी आंसर कर रहे हैं इंटरव्यू में, नॉट जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वट एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू, आप जो भी आंसर कर रहे हैं उसकी डिटेल्स और आपके रिज्यूमे की डिटेल्स हमेशा मैच करनी चाहिए। ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ कैबिन क्रू, बट जस्ट टू एग्जैजरेट देयर इन द इंटरव्यू मैं कहती हूँ कि मेरे पास 5 साल का है। अगर मैंने रिज्यूमे में भी 3 साल ही लिखा है और एक्चुअल में भी 3 साल का ही है, और वहाँ जाके आंसर देते वक्त मैं कहती हूँ कि मेरे पास 5 साल का इंटरव्यू है, तो यहाँ पे डिटेल्स मिसमैच हो रही हैं। तो आपके जो रिज्यूमे में लिखा हुआ है और आप जो बोल रहे हैं वो दोनों आंसर सेम होने चाहिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। और इसीलिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो पहले अपने आंसर्स प्रिपेयर करें और उसमें से एक्सट्रैक्ट करके अपना रिज्यूमे बनाएं, या पहले अपना आइडियल रिज्यूमे बनाएं और उसमें से एक्सट्रैक्ट करके आंसर्स बनाएं। जो भी आप करें, इन आइदर केस योर आंसर ऑफ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और एनी क्वेश्चन हैज़ टू बी द सेम एज वॉट यू हैव रिटन इन रिज्यूमे। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट कि रिज्यूमे में लिखा हुआ आंसर और जो आप वहाँ पर अपने बारे में बता रहे हैं वो सेम हो। पॉइंट नंबर 2 इज़, आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ पहले एक पेपर में लिख लें। हर जॉब में अलग अलग क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है उस जॉब को पाने के लिए। जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए जो क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं और एक कैबिन क्रू बनने के लिए जो क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सेम वे एक टीचर बनने के लिए जो क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, या और एक डांसर या स्पोर्ट्स टीचर बनने के लिए जो क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो आपकी स्पेसिफिक जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब की क्वालिटी एक पेपर पर लिख लें। उसके बाद उन क्वालिटीज़ में से आप में कौन सी हैं, या फिर आपने कुछ ऐसा किया है जो बहुत रिलेट हो पाता है इस जॉब से, उन पॉइंट्स को अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करें। देखिए, जैसे मैं एक कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ। कैबिन क्रू बनने के लिए आपको डिफरेंट कल्चर के बारे में पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो माई फादर वॉज एन आर्मी एंड आई ग्रो अप इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्री। तो जब मेरा बचपन अलग अलग स्टेट्स में निकला है, तो मैं ऑलरेडी बहुत अवेयर हूँ ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ों से। व्हेन माय फादर वाज इन आर्मी, तो वहाँ पे सभी डिफरेंट स्टेट्स से लोग थे। तो आई हैव ग्रोन अप इन बिटवीन द फ्रेंड्स और द स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स फ्रॉम द कंट्री। Now this makes me very welcoming towards people from different culture. तो अगर मैं cabin crew के job के लिए apply कर रही हूँ, वहाँ पर मैंने क्या qualities required है, उनमें से एक quality है कि आपको बहुत open होना चाहिए सभी cultures के लिए। वहाँ पर मैं ये point mention कर सकती हूँ कि my father was an army और मैं already different cities में रह के और different state के लोगों के बीच में रह के बड़ी हुई हूँ, तो I am already very open to it. Also, you should be willing to travel to different places, and traveling is one of my hobby, one of the thing that I love to do. I've been to a lot of places and I'm soon planning to go out of India. So I can include these points ki I'm very fond of traveling and I've been to this place. इस तरीके से, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन वहाँ पे आपको बोलने के लिए एक घंटा नहीं मिलेगा। उस 5 मिनट में आपको सिर्फ वही क्वालिटीज़ मेंशन करनी है जो आपके जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। इसीलिए पहले एक लिस्ट बना लें कि आपके जॉब के लिए क्या क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, फिर उनमें से आप
किन क्वालिटीज़ को पिक करके एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई क्वालिटी पिक करते हैं तो आपके पास सपोर्टिंग में एग्जाम्पल होना ही चाहिए। जैसे कि मैं एक क्वालिटी पिक करती हूँ कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, तो मैं जस्ट वहाँ पे बोल दूँ कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग तो नो बडी विल बिलीव इट। इनफैक्ट इफ़ आई टेल यू गाइस कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, यू पीपल विल नेवर बिलीव इट। वॉट इफ़ आई टेल यू आई हैव क्लियर UPSC 3 times, दैट इज़ वेन यू आर गोइंग टू बिलीव ओके शी इज़ हार्ड वर्किंग। सो दैट्स वॉट यू हैव टू डू। जो भी क्वालिटी पिक करें उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो आपको आंसर भी देना आ जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन 3 reasons से पूछा जा रहा है। फर्स्ट, आपको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं ये वीडियोस हिंदी में क्यों बना रही हूँ? फ्रेंड्स, मेरे लिए ये वीडियो इंग्लिश में बनाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि मेरे व्यूवर्स सभी कंट्रीज से आएंगे। हिंदी में वीडियोस बनाने से मुझे सिर्फ इंडिया से व्यूवर्स मिलते हैं। लेकिन ये वीडियोस हिंदी में बनाने के पीछे पर्पज़ ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को बोल के दिखाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। इंस्टेड ऑफ़ मान लीजिए मैं ये वीडियो इंग्लिश में बनाऊँ और नीचे सबटाइटल्स हिंदी में दे दूँ, आपको तब कम समझ में आएगा। और मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाई है तब बेटर समझ में आएगा। सो इसी तरीके से आपके बारे में सिर्फ रिज्यूमे में लिखा हुआ है लेकिन आप उन पॉइंट्स को बोल के बताते हैं तो आपके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये एक रीज़न है और ये बहुत छोटा रीज़न है। जो एक्चुअल 2 reason हैं उसमें से फर्स्ट है आपकी पर्सनैलिटी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी एक्टिवनेस चेक करना। जब आप बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं, आपके एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स, आप किस तरीके से बैठते हैं, चलते हैं, इन सब चीज़ों को चेक करना। तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी और आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करना इंटरव्यू के पर्पस से या इस क्वेश्चन के पर्पस से। और नेक्स्ट रीज़न जो होता है वो ये होता है कि वाई शुड आई सेलेक्ट यू। ऑल्दो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है डायरेक्टली कि वाई शुड आई सेलेक्ट यू, पर ये एक इनडायरेक्ट तरीका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी क्वालिटीज़ लिख के जब आप अपने बारे में बताएं तो इससे रिलेटेड ही बताएं, तो आप जब उससे रिलेटेड ही बताएंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये बता रहे हैं कि वाई यू शुड सेलेक्ट मी। जैसे कि अभी मैंने आंसर में इंक्लूड किया ट्रैवलिंग के पॉइंट को और कि मैं डिफरेंट कल्चर्स के बीच में ग्रो हुई हूँ इस पॉइंट को, तो ये मेरा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ के आंसर में ही होगा। लेकिन मैं उनको इनडायरेक्टली बता रही हूँ कि मैं इस जॉब के लिए आई एम फिट फॉर दिस जॉब। अदरवाइज मुझ में बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी लेकिन मुझे जैसे मैं बहुत अच्छा कुक कर सकती हूँ, अगर ये बात मैं वहाँ पे बताऊँगी तो इट्स ऑफ नो यूज़ टू देम। सो आई हैव टू पिक फॉर द क्वालिटीज़ दैट इज़ रिक्वायर्ड देयर फॉर द स्पेसिफिक जॉब दैट आई एम अप्लाइंग फॉर। तो इनके साथ अब स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। ओके, सॉरी फ्रेंड्स अगर ये इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट्स थोड़े लंबे हो गए, पर इनको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पॉइंट्स रटने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे आई डिड द होमवर्क टू प्रिपेयर द आंसर। मेरे पास टोटल 8 points हैं। 8 points में आपको अपना आंसर देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है आपको अपना नाम बताना चाहिए, जैसे कि सर माई नेम इज़ सुगंधा शर्मा, ठीक है। अगर वो मुझसे ऑलरेडी मेरा नाम बता के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे सुगंधा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो उन्होंने ऑलरेडी मेरा नाम ले दिया है, इस केस में नाम नहीं लेना है। अगर वो मुझसे सिर्फ इतना बोलते हैं ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, सो माई फर्स्ट पॉइंट वुड बी सर माई नेम इज़ सुगंधा शर्मा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ योर नेम। पॉइंट नंबर 2 इज़ द प्लेस वेयर यू कम फ्रॉम। सो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम और अपनी सिटी का नाम, सो आई एम फ्रॉम भोपाल। पॉइंट 3 इज़ योर एज, विच इज़ अ टोटली ऑप्शनल पॉइंट। इसका बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता है, बट आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी उनके पास है, दे नो योर एज, सो व्हाट्स रॉन्ग इन टेलिंग देम। एज से बहुत सारे, स्पेशली बहुत सारी गर्ल्स, दे डोंट वांट टू टेल देयर एज, आई नो। सो इफ दैट इज़ द केस इट्स ओके गर्ल्स, यू डोंट नीड टू टेल योर एज, इट्स टोटली फाइन। आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे बता सकते हैं कि आई एम 25 years old। ओके, व्हाटएवर योर एज इज। नेक्स्ट इज़ योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। सो आई कैन, इफ आई एम गिविंग द आंसर, आई कैन से दैट आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन। सो यू हैव टू मेंशन योर क्वालिफिकेशन, दैट इज़ व्हाट डिग्री डू यू होल्ड एंड इन व्हाट ब्रांच। ऑल्सो इट ऑल्सो गिव्स स्लाइट आइडिया ऑफ योर बैकग्राउंड।
I think you guys are getting to know a lot about me. It's like I'm giving interview to you guys. एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ये है कि अगर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा है देन प्लीज़ ऑलवेज मेंशन इट. फॉर एग्जांपल आई एम अप्लाइंग फॉर कैबिन क्रू, तो मैंने कोई डिप्लोमा किया है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोई ट्रेनिंग ली है 1 साल की, 6 महीने की, 7 महीने की, जो भी है, प्लीज़ ऑलवेज मेंशन इट. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. तो आप जब भी क्वालिफ़िकेशन को बताएं तो अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन और इसके साथ आपने इस जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ की है तो उसको मेंशन करें. जैसे कि मैंने बताया कि आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन. इस वाले पॉइंट के बाद आई हैव आल्सो डन माय डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड आई हैव डन इंटर्नशिप विद दिस होटल फॉर दिस मैनी मंथ्स. इस तरीके से आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 5 इज अबाउट फैमिली बैकग्राउंड. अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स लाइक टू जस्ट स्किप दिस पॉइंट व्हिच इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो जब भी आप इंटरव्यू में अपने बारे में बता रहे हो तो हमेशा अपने फैमिली के बारे में भी मेंशन करें. जैसे कि आप कह सकते हैं कि आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स एंड वी आर 3 सिबलिंग्स आउट ऑफ विच आई एम द एल्डेस्ट वन एंड आई हैव 2 यंगर ब्रदर्स. बोथ ऑफ देम आर स्टूडेंट. माई फादर वॉज इन आर्मी एंड because of that I grew up in different states. And जो point मैंने आपको बताया था कि जब मैंने इस particular job के लिए जो skills required हैं वो लिखी तभी मुझे उनमें से ये point मिला कि different cultures के साथ to get along them and to travel a lot is a good point. और ये मेरे points हैं भी तो मैं इनको mention कर पाऊँ, क्योंकि otherwise आपके पास बहुत सारी qualities होंगी लेकिन किन क्वालिटीज़ को उन 5 मिनट में फ़िट करना है जब मुझे आंसर देना है. तो यहाँ पे मैं वो वाला पॉइंट फिट करूँगी जो मैंने आपको बताया था. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द पॉइंट 6 इज अबाउट योर जॉब एक्सपीरियंस. अगर आपने पहले कहीं जॉब की है तो आप वहाँ के बारे में बताएं. इफ़ यू हैव नॉट वर्कड एनी वेयर एल्स लाइक यू आर जस्ट 12th पास और यू आर जस्ट कम्प्लीटेड योर ग्रेजुएशन, दैट्स टोटली फाइन. But if you have worked anywhere, then mention the name of your company. Like I have worked at so-and-so school as a teacher for 2 years and I was teaching the English and science subject from 6th to 8th. That way you can describe a little bit about your job. Also, kai baar aap answer de rahe hote hain jiske beech mein se cross questions nikalte hain, to hamesha unke liye prepared rahein. Agar aap apne job ke bare mein batate hain to wahan pe aapki kya duties thi, kitna time aapne kaam kiya, wahan se job kyun chhodi, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मे बी दे विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर देम. अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं कि आपके जॉब एक्सपीरियंस में से या आपके पास्ट के एक्सपीरियंस में से अगर आपने इंटर्नशिप भी की है सिर्फ उसके बेसिस पे भी आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, देन प्लीज़ कमेंट बिलो. पॉइंट नंबर 7th इज टू टेल अबाउट योर हॉबीज़. इस क्वेश्चन के लिए भी आपसे सेपरेटली पूछा ही जाता है कि आपकी क्या हॉबीज़ है. बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैबिन क्रू के इंटरव्यू के राउंड 1 में वो आपसे सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे जिनमें से आपकी हॉबी इज़ नॉट नेसेसरी एक क्वेश्चन हो. तो यहाँ पे आपको पता है कि वो नहीं पूछेंगे तो आपको खुद ही मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए आपको इस पर्टिकुलर राउंड में दैट इज़ द राउंड 1 जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स आर फिल्टर्ड आउट और आपसे बहुत डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाता है, वहाँ पे आपको खुद मेंशन करना है कि आपकी क्या हॉबीज़ है. नाउ अगेन आपकी हॉबीज़ थोड़ी ऐसी हों जो कंपनी को हेल्पफुल हो. दैट इज़ जैसे मेरी हॉबीज़ में कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिनमें से एक ट्रैवलिंग इज़ अ थिंग जो एक्चुअल में भी मेरी हॉबी है और इस कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के साथ भी मैच करेगी. तो मैं अपनी हॉबीज़ में कभी भी फुटबॉल खेलना नहीं लिखूँगी क्योंकि ये कंपनी के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है. तो दैट इज़ व्हाई आई आस्क्ड यू कि आप एक सेपरेट लिस्ट बनाएं जिसमें वो सब क्वालिटीज़ लिखी हों जो एक कैबिन क्रू बनने के लिए या जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए रिक्वायर्ड है, और फिर अपने आंसर्स में सोचें कि उससे क्या मैच होगा. तो जैसे मेरे 4-5 हॉबीज़ हैं पर यहाँ पे मैं उन हॉबीज़ को मेंशन करूँगी जो इस पर्टिकुलर जॉब क्राइटेरिया के साथ जाएगी. जैसे कि आई लव व्लॉगिंग, आई लव मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, बट आई विल नॉट मेंशन दिस देयर बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज टू द कंपनी. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू मेंशन इन योर हॉबीज़.
also if you have some achievement in your hobbies, जैसे कि suppose मैं किसी job के लिए apply कर रही हूँ और मेरे पास hobbies में एक achievement है कि I am the state level debate champion, तो मैं वहाँ पे इसको mention कर सकती हूँ, it will be helpful. So obviously यहाँ पे मैं इस point को mention कर सकती हूँ क्योंकि अच्छी communication skill से ही a person is able to do a good debate, पर मैं उसको यहाँ hobby में mention नहीं करूँगी. कहाँ mention करूँगी? This is the next point. Point number 8th and last point is आपको अपने strong points, अपनी strength और आपको जो भी ऐसा point लगता है जो आपको interview में बताना चाहिए सब यहाँ पे last में बता दीजिए. तो strong points में जैसे कि मैं बोलूँगी कि I have very good communication skills, जिसके चलते I have won inter school debate competitions, I have won regional level debate competitions and state level debate competitions as well, which is true also. One thing that I would like to advise you is कि कोई भी quality वहाँ पे अपनी ऐसी ना बताएं जो actual में आप में नहीं है. अगर मेरी communication skills अच्छी नहीं है और मैं किसी भी चीज़ को properly answer नहीं कर सकती हूँ, and I'll say कि I am a debate champion, that comes out to be untrue. So whatever you say will be further testified there. So make sure कि आप जो भी answer दें वो सच हो, सही हो. तो यहाँ पे आप अपने कुछ strong points mention कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी examples दिए, आपके जो भी achievements हैं life में. For example, आप कह सकते हैं कि I was a very bright student in studies. अगर आपके किसी भी subject में कभी भी कोई distinction आई है तो आप ये वाला point mention कर सकते हैं. किसी भी चीज़ के लिए आपको prize मिला है, आप किसी house के captain थे, किसी team के captain थे, class monitor थे. Class monitor I think is, that's not a point to mention, but if you have nothing else then you can mention this as well. इसके अलावा आपने किसी organization के साथ काम किया है, you were in NCC, anything, any good point about you. जैसे देखिए, एक मैंने आपको UPSC 3 times क्लियर करने वाला पॉइंट बताया. इस टाइप का पॉइंट भी, कोई भी पॉइंट जो आपकी क्वालिटीज़ को सपोर्ट करे, जो आपको एक एलिजिबल कैंडिडेट बताए, वो सारे पॉइंट्स आपको हर छोटा छोटा पॉइंट में ही बताना है. आपके जो 4-5 स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स हैं उनके साथ इस आंसर को एंड करें और लास्ट में बोलें दैट्स ऑल आई हैव टू से. So this is how you should answer, tell me something about yourself in the interview. So friends, I hope this video was helpful for you. If it was, don't forget to give it a like, that encourages me. If you have request for any video, then please comment here. And if you have any doubts, I always answer all the doubts, all the questions that are asked to me in the comment section. I've always done that. सो आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए. ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए हेल्पफुल हो सकती है. इस टाइप की और वीडियोस के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी आईडी है IAM Sugandha Sharma. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. किसी भी चीज़ के वीडियो सजेशंस के लिए प्लीज़ एलिवेट मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताएं. थैंक यू सो मच.